Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on skewness, moments and kurtosis. See, as I told you earlier, that this is a very tricky chapter because there are lots of formulas. So, in this video lecture, I am just focusing on the one topic that is called moments. Okay. तो इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल देन दिस चैप्टर विल डेफिनेटली आपको ईजी लगेगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट. व्हाट अबाउट मोमेंट, व्हाट इज मोमेंट्स. सो हम मोमेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, लाइक वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट द लाइक सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, लाइक मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्री मीन, हार्मोनिक मीन. देन वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट द डिस्पर्जन ऑल्सो, स्टैंड डिविशन, रेंज, इंटरकोलर रेंज. Then we have discussed in the last video lecture about the skewness. Okay, skewness basically tells about the asymmetric, means whether the data is symmetric or asymmetric. If it is asymmetric, then data is going in which direction. That means whether the skewness is positive or negative. All right, so अब हम ये एक नए नए टॉपिक आ रहे हैं, तो इसको पढ़ने का मतलब क्या है. दैट मीन्स अब हमने इन सब पढ़ लिया, तो अब मोमेंट की ज़रूरत क्या है. सी, मोमेंट बेसिकली क्या बताता है, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स एक ओवरऑल एनालाइज करता है डेटा को एंड इट टेल्स एवरीथिंग. ओके, इसको धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको इनडेप्थ और समझ अच्छा आएगा. बस इतना समझिए अभी कि अभी तक हमने जो पढ़ा, जैसे स्क्यूनेस पढ़ाई, इन स्क्यूनेस क्या होता है, दैट इज द डायरेक्शन, कि हमारा जो डेटा है वो किस डायरेक्शन जा रहा है. ठीक है, स्क्यूनेस से ये तो पता कि डेटा तो हमारा एसिमेट्रिक है, बट डायरेक्शन जैसे हमें बता होना चाहिए कि डेटा जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है. जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में, जैसे सपोज इफ यू जैसे मैंने एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया. ठीक है, इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग बिटवीन द 4 to 5, तो दैट मीन्स दैट इज अ नेगेटिव स्क्यूनेस. ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव नहीं बोल रहा मैं, मैं बोल रहा हूँ स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि उसकी जो लॉन्ग टेल है वो किस साइड है, दैट इज द नेगेटिव साइड है. ठीक है, एंड ऑन वाइस वर्सा, इफ ऑल द स्टूडेंट्स गेट मार्क्स बिटवीन 0 to 1, दैट विल बी अ पॉजिटिव स्क्यूनेस. ठीक है, बिकॉज उसकी लॉन्ग टेल वो कहाँ है, वो राइट साइड है. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंस. देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा है वो क्या बताता है. बट अगर हमें ओवरऑल एनालाइज करना है कि हमारा डेटा का नेचर क्या है, then we have to come to moments. okay, अगर हमने एक बार moments पढ़ लिया तो आपको पूरा समझ आएगा कि ये moments सबको बताता क्या है. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया, moments सबके ऊपर, that is to identify the nature of distribution. अब समझा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, the arithmetic mean of various powers of these deviations in any distribution are called moments of the distribution. इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इफ वी टेक डिवीजन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन वी टेक पावर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट विल बिकम मोमेंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो देखिए, हम जो मोमेंट्स जो करते हैं, क्या करते हैं, हम मोमेंट्स को जैसे क्या होता है, इसको हम कितनी बार यहाँ से, जैसे फर्स्ट मोमेंट, सेकेंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, फिफ्थ मोमेंट, सिक्स मोमेंट, सेवन मोमेंट, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं. मीन्स ईच एंड एवरी टाइम, मीन्स हम जितना देखना चाहते हैं, जैसे सपोज अगर हमें मेन निकालना है, देन वी विल फाइंड आउट दी ओनली म्यू वन, और कैन से फर्स्ट मोमेंट. अगर हमें स्टैंड डेविएशन निकालना है या वेरियंस निकालना है, देन वी विल गो टू दी सेकेंड मोमेंट. ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर फाइंडिंग आउट दी, सपोज इफ यू वॉन्ट टू दी दी नेचर ऑफ द स्क्यूनेस, अबाउट द स्क्यूनेस, मीन्स वेदर द डेटा इज स्क्यूनेस है, तो वो कैसा स्क्यूनेस है. सो हमें कहने का दैट इज़ दी थर्ड मोमेंट. ठीक है, ऐसा हमें दिख बहुत सारी चीज़ हमें डिपेंड करते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसके बारे में. बट एज पर द सिलेबस हमें सिर्फ निकालना है 4 मोमेंट. ठीक है, हमें सिर्फ 4 मोमेंट निकालने हैं. तो पहला पढ़ते दैट इज़ द मोमेंट अबाउट मी. अभी बहुत सारे अभी टाइप के मोमेंट आएंगे, बस अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या समझना चाह रहे हैं, दैट इज़ द मोमेंट्स अबाउट मी. ओके, मोमेंट्स अबाउट मी क्या कहता है, दैट इज़ इसको क्या हमारा, दैट इज म्यू कैसे लगाते हैं, म्यू इक्वल टू, अगर हम इसको
मीन से डेबिट करें। देखिए हमने क्या बताया, दैट इज इफ वी टेक द पावर्स ऑफ दीज डेविशंस। डेविशन किससे लेना है, हम तो किससे ले रहे हैं, यहाँ पर क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज दी मोमेंट अबाउट मीन, यानी कि मीन से ही डेविशन ले रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर म्यू क्या है, मोमेंट है, ठीक है। अब मोमेंट कैसे निकाल रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग डेविशन फ्रॉम दी मीन। ओके, सो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम मीन से डेविट कर रहे हैं तो उसको हम मोमेंट बोल रहे हैं। ऑल राइट, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए मोमेंट की सीरीज कैसे निकालेंगे, तो म्यू वन, म्यू वन क्या यहाँ पर क्या है, म्यू वन, वी आर डोनोटिंग अबाउट म्यू वन, इसको बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा है यहाँ पर, म्यू वन किसको किससे डिपेंड कर रहे हैं हम, मोमेंट अबाउट मीन से, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आए फाइंड आउट द फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट म्यू वन। ऑल राइट, तो वो कैसे निकालना है, इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या लिखा, देखिए समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, दैट मीन्स डेविशन किससे ले रहे हैं हम, मीन से ले रहे हैं, डिवाइड बाय एन। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, क्या निकाला हमने, यह हमने क्या निकाला है, दैट इज मीन। ये मीन का फॉर्मूला तो होता है, मीन का तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए डेटा का सिमेट्रिक है, अगर डेटा सिमेट्रिक है तो आप हमेशा समझना कि जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है, जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। सर आप कैसे कह सकते हो कि ये फर्स्ट मोमेंट हमेशा जीरो होगा, देखिए अगर हम मान लीजिए डेविशन अगर हम मीन से ले रहे हो, ठीक है, और अगर डेटा सिमेट्रिक है, दैट मीन्स क्या होगा, हाफ वैल्यू इज पॉजिटिव एंड हाफ वैल्यू वुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर उन सबको ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, दैट इज जीरो, ठीक है। सो इन द केस ऑफ सिमेट्रिक डेटा, इन द केस ऑफ सिमेट्रिक डेटा फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। राइट, नाउ कम टू द सेकेंड, दैट इज म्यू टू। म्यू टू क्या पर, सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, याद रखना अभी हम मीन पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम डेविएशन किससे ले रहे हैं, मीन से ले रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर म्यू टू दैट मीन्स यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, पावर क्या जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। सो एक्स माइनस एक्स बार, इसका समेशन करेंगे होल स्क्वायर का डिवाइड बाय एन, दैट इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एंड आई होप अब भी समझ गए होंगे कि यह किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया आपका, ये दैट इज इक्वल टू वेव। सो हमेशा रखना म्यू टू दैट इज द सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस, ठीक है। हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन, यहाँ पर क्या है, वेरियंस है ये, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज म्यू थ्री, दैट इज मोमेंट अबाउट मीन, ठीक है, थर्ड मीन अबाउट मीन। सो वही सेम, एक्स माइनस एक्स बार की पावर क्यूब डिवाइड बाई एन, तो बन गया एक्स माइनस सॉरी समेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई एन, ठीक है। ऐसे म्यू फोर भी कह सकते हो, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर फोर डिवाइड बाई एन। ऑल राइट, सो ये है आपका, दैट इज मोमेंट्स अबाउट मीन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ओके, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स वेन वी हैव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग आउट मोमेंट्स अबाउट मीन वैन वी हैव डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। तो उस केस में कैसे चलें, वही है बस फ्रिक्वेंसी हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिस दैट इज सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये क्या मीन। एंड सिमिलरली अगर डेटा सिमेट्रिक हुआ तो क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन एंड दैट इज इक्वल टू वेरियंस, then summation of x cube divided by n, third moment about mean, then fourth moment about mean, that means summation of f x की power 4 divided by n, all right। so अभी हमने क्या discuss किया, that is the mean की mean हमें क्या पता, that is the nature of the distribution, ठीक है। and जब हम mean निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, पहला mean that is mean about mean, that means when we take deviation from the mean, ठीक है। तो हमने दोनों केस के लिए, दैट मीन्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज इन द केस ऑफ व्हेन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब आप पूछोगे सर अभी हम लोगों के पास दैट इज मोमेंट्स अबाउट मीन, नाउ वी हैव मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू। अगर हम मोमेंट्स अबाउट मीन निकाल ही रहे हैं
और अगर हमें उसी से ही डेटा का नेचर पता चल रहा है, सो वाई वी आर गोइंग टू दिस मेथड दैट इज मूवमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू. यस यू आर राइट. सी वेन एवर वी कैलकुलेट मूवमेंट्स अबाउट मीन समटाइम्स वी गेट वैल्यू इन डेसिमल. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स. सो इट्स बेटर टू गेट फर्स्ट कैलकुलेट द मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू, देन वी विल कैलकुलेट मूवमेंट्स अबाउट मीन. मैं फिर से बता दूँगा आपको. मीन्स क्या पर क्या होता है कि जब भी हम कोई भी नेचर का डेटा निकालते हैं ना, तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालते हैं और क्या बात, हमारी वैल्यू जो है डेसिमल में आती है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नेचर. सो उसके लिए हम करते हैं, फर्स्ट वी कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू. अब यहाँ पर आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. कोई भी एक अज्यूम्ड वैल्यू को मीन को एज्यूम करके उससे हम डेविएशन ले रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, म्यू म्यू कौन सा म्यू, म्यू डैश आया हुआ है, नॉट म्यू. बिकॉज देखिए, ऊपर हमने मोमेंट्स अबाउट मीन को हमने म्यू से डिनोट किया था. अब जब म्यू मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो हमने इसको किससे डिनोट कर दिया, म्यू नॉट से. ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. सो डेविएशन किस ले रहे हैं हम, दैट इज़ अज्यूम्ड. कोई भी वैल्यू हम अज्यूम ले लिया, उससे हम डेविएशन ले रहे हैं. ठीक है, बाकी सब सेम है. आप देखिए, यहाँ पर ऊपर क्या था, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर एक्स माइनस ए. सिमिलरली क्या देगा, सिग्मा ऑफ डी डिवाइड बाई एन. ये भी क्या हो गया आपका, ये कौन सा फॉर्म बन गया आपका, ये बन गया मीन का, ये बन गया आपका वेरियंस का. ठीक है, देखिए सेम है, सब कुछ सेम है. देखिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया, ये आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. दैट मीन वैन वी हैव द डेटा लाइक डिस्क सीरीज और कंटेंट सीरीज. ऑल राइट, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू. ऑल राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट मीन्स वेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोमेंट्स बाय अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड मोमेंट्स अबाउट जीरो. मोमेंट्स अबाउट ओरिजन या जीरो, उसका मतलब दैट मीन्स हम किसी से डेफिनेशन ले रहे, हम सिर्फ जीरो ले रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से. देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोमेंट्स अबाउट मीन म्यू हो गया, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजन दैट इज म्यू नॉट, देन मोमेंट्स अबाउट ओरिजन दैट इज वी. ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट मीन्स हम किससे निकालें, ओरिजिन से, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर तो वो सिंपल सिंपल देखा ये फंडा है. तो वी वन कैसा होगा, देखो ये क्या होगा आपका, दैट इज मीन. ठीक है, ये क्या हो गया आपका, दैट इज वेरियंस. ठीक है, तो बस वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, देन इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई एन, समेशन ऑफ एक्स की पावर फोर डिवाइड बाई एन. ओके, सो दिस इज द केसेस दैट इज हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट्स. नाउ कम टू द रिलेशन पार्ट, दैट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज कई बार क्या होता है, हमें जो वैल्यू गिवन होती है, दैट इज मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, एंड वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट्स अबाउट मीन. सो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू टू मोमेंट्स अबाउट मीन. आई रिपीट, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि हमें जो डेटा देगा वो देगा हमें एज पर आर्बिट्रेरी वैल्यू, एंड दे आर बेसिकली आस्किंग टू फाइंड आउट द मोमेंट्स अबाउट मीन. दैट मीन्स इन दिस केस वी नीड टू कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम आर्बिट्रेरी वैल्यू टू मीन. तो जब अगर हम इन दोनों का रिलेशन अगर हमें पता चल रहा है, तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा सा अब आपको यहाँ पर ट्रिकी पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से. ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके फॉर्मूला थोड़े जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. सो आपको देखो, इसकी तो बहुत बड़ी डेरिवेशन है, मैं आपको कोई डेरिवेशन पढ़ा रहा, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है. राइट, सो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कि जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आर्बिट्री वैल्यू टू मोमेंट्स अबाउट मीन, कैसे कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमें क्या गिवन होगा, म्यू वन नॉट, म्यू टू नॉट, म्यू थ्री नॉट एंड म्यू फोर नॉट.
and with the help of these values we need to find out mu 1, mu 2, mu 3 and mu 4, that is 4 moments about mean निकालना है हमें. ऑल राइट, तो कैसे निकालना है यहाँ हमें इस केस में? तो फर्स्ट पार्ट क्या, दैट इज सीधा सीधा है, म्यू वन नॉट, दैट इज म्यू वन नॉट दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स म्यू वन दैट इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू जीरो. देन सेकेंड पार्ट दैट इज म्यू टू, दैट इज म्यू टू क्या क्या डिनोट करता है आपको? वेरियंस. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये, ठीक है. एंड ये क्या डिनोट करता है हमें? दैट इज मीन. तो यहाँ पर देखिए म्यू टू कैसे निकालना है हमें, म्यू टू नॉट की वैल्यू है इसको माइनस कर देंगे किससे? म्यू वन नॉट का होल स्क्वायर से, वैल्यू से माइनस कर देंगे. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन. देन म्यू थ्री कैसे करना है? म्यू थ्री नॉट माइनस थ्री म्यू वन नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू टू नॉट प्लस म्यू वन नॉट का क्यूब, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू से. देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ थर्ड मोमेंट अबाउट मीन. देन फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन कैसे करना है? म्यू फोर नॉट माइनस फोर एंड देन टेक प्रोडक्ट ऑफ म्यू वन नॉट एंड म्यू थ्री नॉट प्लस सिक्स म्यू टू नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू वन नॉट का होल स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन नॉट का फोर पावर. ऑल राइट, सो दिस इज द वे टू कन्वर्ट द आर्बिट्रेरी वैल्यू टू मोमेंट्स अबाउट मीन. सिमिलरली यहाँ पर नेचर पढ़ना है, दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट्स अबाउट मीन एंड ओरिजिन. दैट मीन्स हमसे पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए हमें मोमेंट्स अबाउट मीन गिवन है और हमें क्या निकालना है? मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. दैट मीन्स यहाँ पर हम मीन से ओरिजिन में जा रहे हैं, तो हमें मीन तो गिवन होगा, तो कैसे निकालेंगे? v1 निकाल रहे हैं हम, कैसे निकालेंगे? a जो a वैल्यू की दैट इज अज्यूम्ड वैल्यू गिवन होगी, उसको प्लस कर देंगे म्यू वन नॉट से. देन वी विल गेट v2 कैसे निकालना है हमें? म्यू टू प्लस वी वन का स्क्वायर. देन v3 म्यू थ्री प्लस थ्री वी वन प्लस थ्री वी टू माइनस टू वी वन का क्यूब. देखो उसको याद करने का देखो एक सिंपल है, आप बस ये याद कर लो, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप म्यू थ्री की वैल्यू देखो तो यहाँ पर क्या आपका साइन चेंज हो रहा है. कहाँ से देखिए, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, साइन रिवर्स हो रहे हैं. सो इट्स बेटर कि आप जो है एक रिलेशन याद कर लो, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग और कन्वर्जिंग दैट मोमेंट्स अबाउट मीन टू ओरिजिन. नाउ लास्ट दैट इज वी नीड टू फाइंड आउट द टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट्स, दैट इज पियर्सन्स बीटा एंड द गामा कोएफिशिएंट. क्यों निकालना है? अगेन हम मोमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? दैट इज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसका अगर हमें ओवरऑल नेचर बताना है कि वो हमें क्या फाइंड आउट कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा दैट इज़ द पर्सन पियर्सन बीटा एंड द गामा कोएफिशिएंट. तो पर्सन पियर्सन बीटा दैट इज बीटा वन एंड बीटा टू. बीटा वन टॉक्स अबाउट द स्क्यूनेस एंड बीटा टू टॉक्स अबाउट द कुटोसिस. ओके, बीटा वन कैसे निकालना है? म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू का क्यूब. एंड बीटा टू कैसे निकालना है? म्यू फोर डिवाइड बाई म्यू टू का होल स्क्वायर. ओके, ये निकालने तो हमें स्क्यूनेस कुटोसिस पता लगेगा. स्क्यूनेस के बाद आता है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द डेटा एंड कुटोसिस. ये मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा, मैं आपको वैसे सिंपल बताता हूँ. कुटोसिस बताता है दैट इज द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द डेटा. इन डिटेल अभी मैं आपको जस्ट इन टू मिनट्स आपको समझा रहा हूँ कि कुटोसिस क्या होगा. ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? गामा कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं. तो गामा दैट मीन्स गामा वन कैसे निकालना है? टेक अंडर रूट ऑफ बीटा वन. एंड गामा टू कैसे निकालना है? बीटा टू माइनस थ्री. दैट्स इट. ओके, सो मैं आपको फिर से एक बार ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. पहले हम देखिए टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज मोमेंट्स. मोमेंट्स का बताते हैं दैट इज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन.
एंड वो हम कैसे निकालते हैं, वी ऑलवेज नीड टू टेक दी अर्थमेटिक मीन ऑफ दी ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ द डेविएशन. अब वो डेविएशन किस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मूवमेंट निकाल रहे हैं. मूवमेंट्स अबाउट मीन ले रहे हैं तो हम डेविएशन किस ले रहे हैं, मीन से लेना है. ठीक है. एंड म्यू वन ऑलवेज इक्वल टू मीन, म्यू टू इज ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस. सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग फॉर मूवमेंट्स अबाउट मीन इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एज वेल एज इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. देन वी हैव मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू. क्यों निकालते हैं हमारे आर्बिट्री वैल्यू, टू केसेस में, या तो हमसे क्वेश्चन में आर्बिट्री वैल्यू पूछा हो, ठीक है, या तो आर्बिट्री की वैल्यू गिवन हो और हमें मोमेंट्स अबाउट मीन तक पहुँचना हो. ठीक है, तो दोनों केस में हो सकता है. अच्छा, थर्ड केस और हो सकता है, मीन्स अगर हम मैं इसके थ्योरेटिकल बात करूँ तो क्या है, हम आर्बिट्री वैल्यू तब निकालते हैं जब मीन से हम निकालना बट डिफिकल्टी हो, दैट मीन्स व्हेन वी हैव द डेटा इन द डेसिमल पॉइंट्स. ओके, तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. तो तब हम जो है डेविएशन किससे लेते हैं, अज्यूम नहीं करते, मीन से निकलते हैं. तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट इज मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू. देन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, अगेन इन द बोथ केसेस दैट इज इंडिविजुअल सीरीज देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. देन वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन एंड आर्बिट्री वैल्यू. एंड देन वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स अबाउट मीन एंड ओरिजिन. देन वी नीड टू फाइंड आउट द टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट दैट इज द बीटा एंड द गामा. Now let's start the last topic of the chapter, that is the kurtosis, and this is very easy. देखिए, जैसा भी मैंने बताया था कि kurtosis क्या होता है, kurtosis क्या होता है, that is the to find out the degree of flatness or peakness of the data. Flatness or peakness of the data. जैसे देखिए, if you see this graph, देखिए अगर हम बात करें that is L की, L के यहाँ पर पिंक वाला है, देखिए L जिसका मोड हाईएस्ट वाली, देखो ये है, ठीक है ना, ये है आपका हाईएस्ट वन. L की बात करें तो L बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी लेप्टोकॉर्टिक. ठीक है, मीन इसका मतलब क्या है कि डेटा में क्या है, वेरिएशन कम है. आप अगर नीचे से देखें तो कि इसमें जो डिफरेंस है वो कम है, डिफरेंस है वो कम है. सो इसके मतलब क्या है कि डेटा में कौन डेटा जो है कॉन्स्टेंट है, वेरिएशन कम है. ठीक है, देन कम टू द पार्ट ऑफ एम दैट इज मेसोकॉर्टिक. ये क्या है उसका, मीन्स डेटा जो है नॉर्मल है, दैट मीन्स ना तो ज़्यादा मतलब वेरिएशन है ना मतलब ज़्यादा कॉन्स्टेंट है, तो वो नॉर्मल है. देन वी हैव पी दैट इज द प्लैटिकॉर्टिक, दैट मीन्स इस केस में क्या आपका, इसकी डेटा जो है फ्लैटनेस से ज़्यादा है. ठीक है, और फ्लैटनेस ज़्यादा दैट मीन्स वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द कर्टोसिस. ठीक है, कर्टोसिस क्या बताता है, दैट इज द फ्लैटनेस और पीकनेस ऑफ द डेटा. ऑलराइट, अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कि डेटा जो है लेप्टोकॉर्टिक है, मेसोकॉर्टिक है या प्लैटिकॉर्टिक है, दिस वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ बीटा टू. अगर मान लीजिए बीटा टू की वैल्यू इक्वल टू थ्री आई, अगर बीटा टू की वैल्यू इक्वल टू थ्री आई, दैट मीन्स ये कौन सा डेटा हुआ, मेसोकॉर्टिक. एंड डेटा अगर थ्री से ज़्यादा आया सो दैट मीन्स लेप्टोकॉर्टिक, डेटा अगर थ्री से कम आया दैट मीन्स प्लैटिकॉर्टिक, दैट्स इट. ओके, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग कर्टोसिस. सो दिस इज द ऑल थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ मोमेंट्स एंड द कर्टोसिस. नाउ कम नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिकल पोर्शन एंड लेट्स फिनिश दिस चैप्टर इन दिस वीडियो लेक्चर. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. द फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 2.5, 0.7 एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दैट इज गामा वन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए, जब भी आप मोमेंट को वाला कोई भी चैप्टर क्वेश्चन करोगे, यू नीड टू स्टडी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बिकॉज हमें यही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें डेटा किस टाइप का गिवन है. हमने अभी इतने सारे मोमेंट्स पढ़े, दैट इज मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट जीरो, ये सब पढ़े हमने, तीन पढ़े हैं. तो हमें तीनों में से कौन सा वैल्यू हमें गिवन है, हमें ये तो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो फिर से पढ़ते हैं.
ठीक है, फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 2.5, 0.7। तो हमें क्या गिवन है, दैट इज मोमेंट्स अबाउट मीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स, फर्स्ट थ्री सेंट्रल मोमेंट्स, तो दैट मीन्स क्या गिवन है, मोमेंट्स अबाउट मीन। तो यहाँ पर क्या लिखा, जीरो क्या है, दैट इज म्यू वन इक्वल टू जीरो, 2.5 म्यू टू इक्वल टू 2.5, 0.7 म्यू थ्री इक्वल टू 0.7, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स वी नीड टू फाइंड आउट गामा वन। गामा वन कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था गामा वन, उससे पहले हम निकालते हैं दैट इज बीटा वन, ठीक है, एंड बीटा वन कैसे निकालते हैं, देखें यहाँ पर म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू का क्यूब, और जब हम उसका अंडर रूट लेंगे देन वी विल फाइंड आउट गामा वन। हमें सारी वैल्यूज गिवन है, सो जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला वी विल गेट गामा वन। सो लेट्स डू इट, क्वेश्चन नंबर 18। हमें देखिएगा गिवन है म्यू वन गिवन है 0, म्यू टू गिवन है 2.5, म्यू थ्री गिवन है 0.7, ऑल राइट, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दैट इज गामा वन विच इज इक्वल टू बीटा वन। एंड हाउ टू कैलकुलेट बीटा वन, बीटा वन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बीटा वन कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू टू का क्यूब, ठीक है, इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू दैट इज 2.5 क्यूब, इसका अंडर रूट लेंगे देन वी विल गेट 0.177, दैट्स इट। अभी थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो अपना कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर करते जाइए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ये कहीं भी गिवन नहीं है कि सेंट्रल मोमेंट्स हैं, कहीं गिवन नहीं है, तो दैट मीन्स ये शायद ये सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट मीन नहीं हो सकता। आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा है अबाउट द वैल्यू वन, अबाउट द वैल्यू वन आर 2, 25, 80 रिस्पेक्टिवली। जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट समझ आते हैं, दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू वन, दैट मीन्स दे हैव टेकन डेविएशन फ्रॉम द वन, यानी कि उन्होंने एक अज्यूम्ड वैल्यू वन, एक अज्यूम्ड वैल्यू गए एंड विद द हेल्प ऑफ दिस दे हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू। तो यहाँ पर जब अज्यूम का, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आर्बिट्री वैल्यू है, तो यहाँ पर ये कौन सा मोमेंट्स क्यों होगा हमें, म्यू वन नॉट, म्यू टू नॉट एंड म्यू थ्री नॉट, ऑल राइट। सो म्यू वन नॉट इक्वल टू 2, म्यू टू नॉट इक्वल टू 25 एंड म्यू थ्री नॉट इक्वल टू 18। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मोमेंट्स मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। मोमेंट मेजर स्क्यूनेस हम इसका क्या मतलब है, क्या निकालना है, स्क्यूनेस हमें कौन सा पता था हमें, दैट इज इक्वल टू बीटा वन और बीटा टू, दैट इज बीटा वन, तो हमसे बीटा वन ही पूछ रहे हैं, बोल रहे अच्छा यस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 19। सो हमें गिवन देखिए म्यू वन वन नॉट इक्वल टू 2, म्यू टू नॉट इक्वल टू 25, म्यू थ्री नॉट इक्वल टू 80, एज वेल एज वी हैव ए दैट इज इक्वल टू 1, एक अज्यूम्ड वैल्यू, एक आर्बिट्री वैल्यू गिवन दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, तभी तो हमें पता चला कि हमें क्या गिवन, दैट इज मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यू गिवन, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं वो भी लिख लेते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे मीन एंड हमसे पूछ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल्सो वी नीड टू फाइंड आउट द गामा वन, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि म्यू टू नॉट जो है इसकी हेल्प से हम मीन निकालते हैं, एंड म्यू टू नॉट कैसे निकालते हैं, दैट मीन्स वेरियंस, ठीक है,
देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इन द केस ऑफ आर्बिट्री ओरिजिन हमें मीन कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हमने म्यू वन सॉरी म्यू म्यू नोट हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो एक्स माइनस ए करके निकालते थे, एक्स माइनस ए करके निकालते थे, ठीक है। एंड ये हमें वैल्यू गिवन दैट इज टू इक्वल टू एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, थ्री आ गया हमारे पास में, ये मीन निकाल गया हमारे पास, ठीक है। सो इन द केस ऑफ आर्बिट्री ओरिजिन वी ऑलवेज कैलकुलेट मीन विद द हेल्प ऑफ दिस, ये मीन ही आ गया आपके पास। सो मीन आ गया दैट इज थ्री। ऑलराइट, नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे करना है। म्यू टू नॉट दैट इज इक्वल टू वेरियंस, दैट इज इक्वल टू वेरियंस। तो कैसे निकालना है आपको ये, इसको एक्स माइनस ए, सो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर टू हो जाएगी। सो 25 माइनस टू दैट इज इक्वल टू 21, एंड देन टेक अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, बिकॉज ये वेरियंस हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन यू विल गेट 4.58। ऑलराइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गामा वन। गामा वन कैसे निकालते, दैट इज अंडर रूट ऑफ बीटा वन। सो गामा वन कैसे निकालेंगे, म्यू थ्री का होल स्क्वायर, सो म्यू थ्री लिखेंगे बस, देन म्यू टू एंड थ्री बाई टू, फॉर्मूला वही है, ठीक है। अंडर रूट है तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, अब हमें क्या चाहिए, दैट इज म्यू थ्री चाहिए एंड म्यू टू चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं, कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज जो हमने रिलेशन पढ़ा था। हमें वैल्यू गिवन है आर्बिट्री वैल्यू, हमें निकालनी है मीन, ठीक है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, तो म्यू थ्री की, म्यू थ्री की एंड म्यू टू की, सो दैट मीन्स वी टू यूज दिस फॉर्मूलाज। ओके, तो पहले म्यू थ्री एंड म्यू टू निकाल लेते हैं। म्यू थ्री नॉट माइनस थ्री म्यू वन नॉट, म्यू वन नॉट एंड म्यू टू नॉट प्लस टू म्यू वन नॉट का क्यूब। ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू 80 माइनस थ्री, ये 25 गिवन है आपको, प्लस टू की पावर दैट इज टू, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 54। राइट, एंड म्यू टू तो हमें निकाल ही लेता, इसका अगर हम वही 21 ही आएगा, ठीक है ना। आपने देखा ना ये फॉर्मूला क्या यूज़ किया आपने, आपने बेसिकली क्या होता है, म्यू टू दैट इज इक्वल टू म्यू टू का क्यूब माइनस म्यू वन नॉट का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो आपने कैसे निकाला, आपने देखिए वही सीजन चीज वैल्यू करिए, तो ये बेसिकली, अच्छा सॉरी, ये बेसिकली म्यू टू आएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 21 आपका ये आ जाएगा। सो जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यूज इन द प्रॉब्लम, म्यू थ्री दैट इज माइनस 54 एंड डिवाइड बाय 21 का 3/2 पावर दैट इज इक्वल टू माइनस 0.561, तो इसके मीन्स का आपका नेगेटिव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द वेरियंस इज 0.64 एंड द मोमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस गामा वन इज 0.3, कैलकुलेट थर्ड मोमेंट
थर्ड सेंट्रल मूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमसे क्या पूछ रहे हैं, म्यू थ्री पूछ रहे हैं। वेरियंस गिवन दैट इज 0.64, वेरियंस हमें गिवन है दैट इज 0.64, एंड वेरियंस हमें गिवन है 0.64, अच्छा, एंड म्यू थ्री गिवन है दैट इज सॉरी म्यू गामा वन गिवन हमें दैट इज इक्वल टू 0.3, एंड हमें निकालना थर्ड मोमेंट। पहले लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है वेरियंस दैट इज 0.64 एंड म्यू टू क्या गिवन था गामा सॉरी गामा वन हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.3 एंड वी नीड टू कैलकुलेट म्यू थ्री। देखिए ये तो हमारा म्यू टू के इक्वल होता है, ठीक है, एंड गामा वन कैसे निकालते हैं दैट इज इक्वल टू बीटा वन का अंडर रूट, ठीक है, एंड दैट इज म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू टू का क्यूब इसका अंडर रूट। तो हमारे पास म्यू म्यू टू तो है ही, अब हमें क्या निकालना है म्यू थ्री चाहिए हमें इसके लिए, और हमसे पूछा भी ये था म्यू थ्री, ठीक है, एंड हमें ये तो गिवन, अच्छा ये तो हमें गिवन है ही, देखिए ये तो हमें 0.3 गिवन है ही, ठीक है, इक्वल टू इसको हम इस तरह लिख लेते हैं एक बार, तो 0.3 इक्वल टू म्यू थ्री डिवाइडेड बाय 0.64 थ्री बाई टू, म्यू थ्री इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.512 दैट इज इक्वल टू 0.1536 दैट्स इट, हमें यही चाहिए थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू, अबाउट द वैल्यू फोर दैट मीन्स क्या गिवन हमें ए, जब ए गिवन दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें क्या गिवन दैट इज मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी वैल्यू दैट मीन्स म्यू वन नॉट म्यू टू नॉट म्यू थ्री नॉट म्यू फोर नॉट। तो म्यू वन नॉट दैट इज इक्वल टू -1.5, म्यू टू नॉट इक्वल टू 17, म्यू थ्री नॉट -30, म्यू फोर नॉट इक्वल टू 108। वी नीड टू फाइंड आउट सी वी एंड बीटा वन एज वेल एज वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट थ्री मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन दैट इज बी वन बी टू बी थ्री। ऑलराइट, सो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21 हमें गिवन है, देखिए म्यू वन नॉट इक्वल टू -1.5, म्यू टू नॉट इक्वल टू 17, म्यू थ्री नॉट इक्वल टू -30, म्यू फोर नॉट इक्वल टू 108, एंड हमें गिवन है एक अज्यूम्ड वैल्यू गिवन है। ऑलराइट, तो फर्स्ट हमें क्या निकालना दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू 100, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई मीन इंटू 100। अब इन द केस ऑफ आर्बिट्री वैल्यू हम कैसे निकालते हैं मीन, बताते हैं मैंने अभी प्रीवियस में कैसे निकालते हैं, इक्वल टू म्यू वन नॉट प्लस ए, ठीक है, सो -1.5 ए कितनी मैंने +1 दैट इज इक्वल टू 2.5, मीन आपके पास आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो अच्छा वेरियंस कैसे करते हैं म्यू टू, ठीक है, म्यू टू चाहिए हमें वेरियंस के लिए, एंड म्यू टू निकालना तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है म्यू टू नॉट गिवन है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा म्यू टू नॉट -μ1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 17 -1.5 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल टू 14.75, ठीक है,
अब इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, अंडर रूट में, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3.85। आप निकालते हैं सी वी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, 3.84 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल टू 153.6%। ऑल राइट, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट बीटा वन। बीटा वन कैसे निकालते हैं? म्यू थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू का क्यूब। म्यू टू हमारे पास है, हमें निकालना है म्यू थ्री, तो म्यू थ्री कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें म्यू थ्री का नॉट माइनस म्यू टू का नॉट मतलब करते हैं म्यू वन नॉट प्लस टू म्यू वन नॉट का क्यूब। ऑल राइट, ये हमें गिवन है माइनस 30 माइनस 3 17 माइनस 1.5 प्लस 2 माइनस 1.5 का क्यूब, सो दैट वुड बी इक्वल टू 39.7। तो बस अब हमें क्या निकालना है? बीटा वन, बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 39.75 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू हमें भी निकालना, दैट इज 14.75। सो 14.75 इक्वल टू क्यूब, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4.492। एंड लास्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, दैट इज वी वन वी टू एंड वी थ्री। सो कैलकुलेट मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, दैट इज वी वन वी टू एंड वी थ्री। वी वन कैसे निकालते हैं? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मीन, एंड मीन हमें निकालना है, अभी निकाला, दैट इज 2.5। देन वी टू म्यू टू प्लस वी वन का स्क्वायर 14.75। बस फॉर्मूला ही पुटअप करना है, आपको कुछ नहीं करना। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 14.75 प्लस 6.25 इक्वल टू 21। देन बी थ्री म्यू थ्री प्लस 3 बी टू बी वन माइनस 2 बी वन का क्यूब इक्वल टू 39.75 प्लस 157.5 माइनस 37.25 दैट इज इक्वल टू 166। ऑल राइट, सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 24-22। एनालाइज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स। सो वी हैव डिस्क्रीट सीरीज एंड वी नीड टू फाइंड आउट द एनालाइज करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स इन दिस केस वी नीड टू फाइंड आउट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन, एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट द बीटा वन एंड बीटा टू। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो इसको करते हैं, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 22, आपको गिवन एक्स एंड एफ summation of frequency, that is equal to 15। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट फॉर मोमेंट्स अबाउट मीन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस x बार करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स वी नीड स्मॉल x, दैट इज x माइनस मीन। ठीक है,
तो पहले तो हमें मीन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। एंड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, दैट इज इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हम कैसे निकालते हैं, म्यू वन दैट इज समेशन ऑफ एक्स एफ माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लेते हैं, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो हम एफ और एक्स को पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा, तो हमें चाहिए पहले मीन, हमें चाहिए पहले मीन। अगर हम मीन निकाल लेंगे इन सब का, ठीक है, मीन निकालने तो मीन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मीन आपका आएगा दैट इज इक्वल टू देखिए हमें चाहिए इसमें मीन, तो मीन आपका समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो आप पहले हम सिंपल तरीके से मीन निकाल लेते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे। मीन कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, दैट इज वन मल्टीप्लाई बाई टू, इसको करेंगे टू नाइन ट्वेंटी एट प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई एन दैट इज फिफ्टीन, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू एलेवन प्लस एलेवन ट्वेंटी टू दैट इज यहाँ पे आ गया दैट इज सिक्सटी डिवाइड बाई थर्टीन दैट इज इक्वल टू फोर। तो मीन की वैल्यू आपकी फोर आ गई, ठीक है। तो एक्स माइनस यहाँ पर रखेंगे फोर, ऑल राइट। तो जब फोर आ जाएगा तो हम डेविएशन लेंगे मीन से एक्स से, तो क्या गैप की वैल्यू दैट इज माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, तो दैट इज समेशन। फिर हम निकालेंगे एफ एक्स, एफ एक्स को चाहिए क्योंकि हमें म्यू वन जो चाहिए उसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स निकालेंगे हमें, तो एफ एक्स निकालेंगे माइनस टू माइनस थ्री जीरो थ्री टू अगेन जीरो, सो दैट मीन्स ये कह जाएगा जीरो बाई फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन म्यू टू कैसे निकालेंगे हम, सिग्मा ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन, एक्स स्क्वायर करेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे दैट इज फोर मल्टीप्लाई बाई वन दैट इज फोर देन थ्री देन जीरो देन थ्री देन फोर दैट इज इक्वल टू फोर्टीन, ठीक। सो दैट वुड बी इक्वल टू फोर्टीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू पॉइंट नाइन थ्री। देन कम टू न्यू थ्री, सिग्मा ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एन, नाउ वी नीड एफ एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब देन मल्टीप्लाई बाई एफ दैट इज टू का क्यूब माइनस एट मल्टीप्लाई वन माइनस एट देन माइनस वन डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री दैट इज माइनस थ्री जीरो थ्री एंड एट, ऑल राइट। सो अगेन यू शुड बी इक्वल टू जीरो, सो इन दिस केस जीरो हो जाएगा आपका ये। देन फोर एफ एक्स की पावर फोर, नाउ दैट वुड बी इसी का स्क्वायर कर देते हैं हम, ठीक है।
करेगा 16 3 0 3 16 38। सो 38 डिवाइड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 2.53, राइट। एंड वी हैव कैलकुलेट फर्स्ट फॉर मोमेंट्स ऑफ मोमेंट। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टू इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट दैट इज बीटा वन एंड बीटा टू। सो बीटा वन दैट इज न्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू टू का क्यूब। सो न्यू थ्री जीरो ही है तो जीरो ही आ जाएगा आपका। देन बीटा टू न्यू टू का स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू फोर पर आएगा। न्यू फोर डिवाइड बाय न्यू टू का स्क्वायर। सो न्यू फोर डिवाइड बाय 2.53 डिवाइड बाय न्यू 2.93 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 2.91। इसकी वैल्यू लिखने के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है। दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ बीटा टू इज लेस देन 3 दैट मीन्स कौन सा आपका कर्टसिस हुआ, दैट इज इक्वल टू पी। सो दैट इज अ केस ऑफ प्लेटी कर्टिक। ओके, यहाँ पर आपको उसका नेक्स्ट भी लिखने के बाद दैट इज प्लेटी कर्टिक। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड दिस क्वेश्चन। Moment to next, that is question number 23. Now we have data in the continuous series and this question is for homework. करना कैसा ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें करना है कैलकुलेट द फर्स्ट परफॉर्मेंस अबाउट मीन सेम वही म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर एंड ऑल्सो विल टू बीटा वन बीटा टू। करना कैसे करना आपको हमारे, आपको यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या करना आपको, ये गिवन आपको इन द केस ऑफ कंटिन्यू सीरीज। अगर कंटिन्यू सीरीज में देखो जब आप मीन निकालते हो तो वैल्यू जो काफ़ी बड़ी आती है। सो इट्स बेटर टू कैलकुलेट फ्रॉम दी आर्बिट्री वैल्यू। तो म्यू वन नॉट म्यू टू नॉट म्यू थ्री नॉट एंड म्यू फोर नॉट, ठीक है। दैट मीन्स कैसे करोगे, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो वैसे ही आप इसकी कॉलम बने ना, ठीक है। पहले आप करेगा एम, ठीक है, मेटल वैल्यू फ्रिक्वेंसी, देन डी, देन एफ डी, एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब एंड एफ डी एफ डी की पावर 4। ऑल राइट, इस तरीके से करना, म्यू वन नॉट म्यू टू नॉट म्यू थ्री नॉट एंड म्यू फोर नॉट। देन कन्वर्ट ऑल दिस मोमेंट्स, दैट इज कन्वर्ट द मोमेंट अबाउट आर्बिट्री वैल्यू टू मोमेंट्स अबाउट मीन। तो आपके पास फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन आ गए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैलकुलेट बीटा वन एंड बीटा टू। दैट्स इट। Now come to the next question, that is question number 24. For a mesocortic distribution, standard deviation is 5. Calculate the value of value of the fourth moment about mean. हमें निकालना है म्यू फोर। तो हमें तो गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 5। हमें ये गिवन है एंड हमें निकालना है म्यू फोर। अच्छा, हमें डेटा ऑलरेडी गिवन दैट इज फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। या मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स बीटा टू की वैल्यू क्या होगी, 3। तो बीटा टू हमको गिवन है 3। तो बीटा टू हम वैसे निकालते कैसे थे, म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू का क्यूब, राइट। एंड हमें गिवन है 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए ये किसके इक्वलेंट होता है, वेरियंस उससे निकालेंगे म्यू टू दैट इज इक्वल टू 25 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीटा टू की वैल्यू गिवन है 3 इक्वल टू म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू का क्यूब। सो म्यू थ्री मल्टीप्लाई बाय ये मैंने बीटा वन का फॉर्म कर दिया, सॉरी
क्या होगा आपका म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर, सॉरी सो हमें निकालना है म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू दैट इज 25 का होल स्क्वायर. सो म्यू फोर इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1875. दैट्स इट, हमें म्यू फोर निकालना था. सो यहाँ पर हमारे मेसोकराइट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दैट इज बीटा 2 इक्वल टू 3 होगा, उसी की हेल्प से हमने म्यू फोर निकालना है. ऑल राइट, नाउ 24 25 फॉर अ मेसोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन अगेन दैट इज बीटा 2 इक्वल टू 3 द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7 दैट इज क्या गिवन आपको म्यू वन नॉट, ओके दैट इज ए इक्वल टू 7 म्यू वन नॉट इक्वल टू 23 म्यू टू नॉट इक्वल टू 1000. फाइंड को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी निकालना है एंड द फोर्थ मोमेंट अमाउंट बी दैट इज म्यू फोर. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 24. देखिए हम के गिवन ए, हमें गिवन है म्यू वन नॉट दैट इज इक्वल टू 23 म्यू टू नॉट दैट इज इक्वल टू 1000. ऑल राइट वेट सॉरी, ये गिवन है सेकेंड मोमेंट अबाउट जीरो, ये वी टू गिवन है, ये वी टू गिवन है. ऑल राइट, हमें निकालना है कि सी वी एंड द फोर्थ मोमेंट, ये निकालना है. सी वी का फॉर्म लिखा है सन डिवीजन डिवाइड बाय मीन. ठीक है, तो मीन तो हमारा यहीं से निकलेगा, मीन तो हमारा यहीं से निकलेगा म्यू वन नॉट प्लस ए 23 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 30, मीन तो हमारा यहीं से निकलेगा. अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन. एक हमें एक और वैल्यू गिवन है दैट इज बीटा 2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, मेसोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अच्छा हमें पता है कि बी वन जो है मी के इक्वल होता है, तो बी वन भी 30 आ जाएगा एंड बी टू किस निकालते हैं हम, म्यू टू प्लस बी वन का होल स्क्वायर. ठीक है एंड सो अच्छा हमें बी टू तो गिवन है इसमें, सो 1000 इक्वल टू म्यू टू प्लस 30 का होल स्क्वायर. सो यहाँ से म्यू टू कितना रहेगा आपका 100 एंड म्यू टू इज ऑलवेज इक्वल टू वेरियंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना रहेगा आपके पास 10. तो सी वी निकाल लें, टेन डिवाइड बाय 30 इंटू में 100 दैट इज इक्वल टू 33.33%. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्थ मोमेंट दैट इज म्यू फोर निकालना है. तो बीटा टू का फॉर्मूला क्या था आपके पास, म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इक्वल टू म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू दैट इज 100 का स्क्वायर. सो म्यू फोर इक्वल टू 30000. दैट्स इट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. क्या गिवन है, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन n इक्वल टू 100 समेशन ऑफ x माइनस 98 इक्वल टू 50. क्या गिवन आपको ये x माइनस 98 क्या आपका a अज्यूम्ड वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है म्यू वन नॉट इक्वल टू 50 म्यू टू नॉट अच्छा सॉरी डिवाइड बाई n करेंगे इसको तब आएगा. ठीक है, तो 50 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.5 म्यू वन नॉट, देन 1970 डिवाइड बाई 100 दैट इज 19.7 ये क्या आपका म्यू टू नॉट, देन म्यू थ्री नेट कैसे आएगा आपके पास आएगा ये 2940 डिवाइड बाई 100 दैट इज 29.48 क्या आएगा आपके पास म्यू थ्री नॉट. ठीक है, ऐसे म्यू फोर निकालना,
अब पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन इज पैटिकटिक, तो हमें क्या निकालना है, बीटा टू निकालना है। तो आपके पास मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री ओरिजिन आर्बिट्री वैल्यू गिवन है, कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है, एंड देन निकालो बीटा टू। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज हाउ फॉर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू अगेन ए इक्वल टू टू, देन म्यू वन नॉट इक्वल टू वन, म्यू टू नॉट इक्वल टू 2.5, म्यू थ्री नॉट इक्वल टू 5.5, म्यू फोर नॉट इक्वल टू 16। कैलकुलेट फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन, दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम आर्बिट्री वैल्यू टू मीन एंड देन कमेंट ऑन द नेचर, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट बीटा वन एंड बीटा टू। बीटा वन डिनोट्स स्क्यूनेस एंड बीटा टू डिनोट्स कटोसिस। ऑलराइट, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। देन क्वेश्चन नंबर 28 इज एग्जैक्टली सेम, हमें वही करना है, सेम वही है। देन 29 मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, बीटा वन गिवन है, अच्छा बीटा वन अंडर रूट में है तो दैट मीन्स क्या गिवन है आपको, गामा वन। देन बीटा टू 4 गिवन है। ऑब्टेन द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, तो दैट मीन्स वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बीटा वन बीटा टू, तो कमेंट कर देना। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर होमवर्क। ऑलराइट, सो स्टूडेंट विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर एज वेल एज द फर्स्ट यूनिट ऑफ द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड।